नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M31s। दोस्तों आपको पता होगा कि इस फोन में आपको इनबिल्ट ऐप लॉक नहीं मिलता, तो कई सारे लोग फिर सवाल करते हैं कि कौन सा ऐप लॉक यूज़ करना है, क्योंकि इसमें सिक्योर फोल्डर नाम का भी कोई ऑप्शन आपको एम सीरीज में मिलता ही नहीं है। तो फिर ऐसे में हमें कौन सा ऐप डाउनलोड करना चाहिए? तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एस सिक्योर का यूज़ करते हैं, जो एस सिक्योर करके जो ऐप है, जो मैंने भी डाउनलोड किया है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाउनलोड किया है कि इसमें क्या मिसिंग है और ये ऐप आपको क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। तो एस सिक्योर मैंने यहाँ पे तो इनेबल करके रख दिया है। तो अब मान लो इस जो एस सिक्योर है उसे यूज़ कैसे करना है। और सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती इस ऐप के बारे में, आप जो भी ऐप लॉक करते हो उस ऐप पे आपको इस लॉक का आइकॉन दिखाई देता है। तो मतलब किसी को भी पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से ऐप, कितने ऐप लॉक करके रखे हुए आपके फ़ोन में। और दूसरी बात दोस्तों कि ये जो ऐप है ये ऐप लॉक की तरह काम नहीं करता, काफ़ी मतलब अलग टाइप का डिज़ाइन है इस ऐप का। जैसे आप देख सकते हो गैलरी मैंने ओपन की है, ठीक है, गैलरी को मैंने ओपन की, गैलरी ओपन हो चुकी है। अब मैंने गैलरी को क्लोज कर दिया, वापस मैंने गैलरी ओपन की, देखिए मुझे पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतना ही नहीं, अगर मैं उसे रिमूव भी कर दूंगा, किल भी कर दूंगा रिसेंट ऐप्स में से, अभी मैं इसे ओपन करूंगा, देखो मैंने मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बिना पासवर्ड डाले हुए ही जो गैलरी है वो ओपन हो रही है, और ये काम कब करता है? जब आप उसे लॉक करते हो। तो आपने मान लो स्क्रीन को लॉक कर दिया, अब जाके जब आप गैलरी ओपन करोगे तब जाके जो ये काम करेगा। चलो लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, इसको मान सकते हैं, इतना होने पर भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इस ऐप को कोई भी अनइंस्टॉल कर सकता है। मान लो अगर आपके किसी फ्रेंड ने एस सिक्योर को अनइंस्टॉल कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल हो चुका है आराम से। अब गैलरी को ओपन करना क्या बड़ी बात क्या है? गैलरी गैलरी क्या, जीमेल, प्ले स्टोर, जो भी आपने लॉक किए सभी ऐप अब वो जो है वो आसानी से देख सकता है। तो इसलिए एस सिक्योर मैं कभी भी यूज़ नहीं करता अपने सैमसंग के फ़ोन में। तो कौन सा ऐप आपको यूज़ करना चाहिए? अगर आप ऐप लॉक यूज़ करना चाहते हो तो आपको जो ऐप लॉक है फिंगरप्रिंट, उसको आपको डाउनलोड करना है, जो मैंने डाउनलोड करके रखा है यहाँ पे, आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है। जो लिंक है इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और इसकी जो सेटिंग है कैसी है और किस तरह से काम करता है मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले इस तरह से मास्टर पिन बनाना पड़ता है, और फिर इसके बाद आपको फिंगरप्रिंट यूज़ करना है कि नहीं आपको ये बताना पड़ता है कि हाँ करना है, ऐसा कीजिए। फिर आपको यहाँ पे प्लस का साइन होगा, आपको यहाँ पे जो भी एप्स ऐड करने हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई भी ऐप को अनइंस्टॉल करना हुआ तो भी मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, सेटिंग्स के लिए भी पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे गैलरी के लिए। तो इस तरह से आपको जो कोई भी ऐप लॉक करना है उनको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस पे साइन करना है। तो प्लस पे साइन करने के बाद आपको यूसेज एक्सेस देना है, ओके करना है, फिर आपको यहाँ पे ऐप लॉक को अलाउ करना है, फिर इसके बाद आपको अलाउ परमिशन करना है, यहाँ पे यहाँ अलाउ करना है। तो इस तरह से हमने परमिशन दे दी है, और अब ये सारे जो ऐप्स है ये लॉक हो चुके हैं। जैसे आप गैलरी ओपन करोगे तो आप देख सकते हो अभी मुझे फिंगरप्रिंट का यूज़ करना पड़ेगा, वापस आप गैलरी ओपन करोगे तो वापस मुझे फिंगरप्रिंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जब कभी भी आप उस ऐप को ओपन करोगे तब हर समय आपको ऐप लॉक का यूज़ करना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, पिन देना पड़ेगा, तब जाके जो ऐप है वो ओपन होगा। और इसके साथ इसमें और कौन कौन सी सेटिंग्स आपको मिल जाती है, सेटिंग्स में जाते हो तो पासवर्ड सेटिंग्स में आपको यहाँ पे फेस लॉक भी आपको मिल जाता है, लेकिन फेस लॉक जब आप यूज़ करते हो देखते कि किस तरह से काम करता है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि आपको क्या यूज़ करना है। तो ये काफ़ी मतलब प्रोसेस लंबी होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको फेस से करना है कि फिंगरप्रिंट से करना है, आपको यहाँ पे पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद फिर जो फेस स्कैन हो के आपको ओके करना पड़ता है। तो मुझे फेस की ज़रूरत नहीं है, मैं फेस यूज़ नहीं करना चाहता अपने इस ऐप में। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फिंगरप्रिंट रखा हुआ है, फिर आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप लॉक और नोटिफिकेशन बार आइकॉन आपको यहाँ पे दिखाना है, नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है मुझे। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन बार आइकॉन है आपको उससे हटा देना है, वहां से तो इस तरह से जो
नोटिफिकेशन का आइकॉन है यहाँ पे जो ऐप लॉक का, वो अभी हट चुका है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में जो डिस्प्ले है किस तरह से दिखाना है, आप जो भी चीज़ें यहाँ पे टिक करोगे वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऐप का आइकॉन है, फिर यहाँ पे आपको ऐप का नाम है, फिर फिंगरप्रिंट है। तो आपको अगर पासवर्ड बटन भी दिखाना है यहाँ पे देख सकते हो, पासवर्ड बटन भी मिल जाती है आपको। तो आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए आप उसे निकाल सकते हो। जैसे आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो बैकग्राउंड आप जो भी अपने हिसाब से रखना चाहते हो वो फिक्स बैकग्राउंड आप यहाँ पे रख सकते हो। फिर आपको ऐप आइकॉन अगर नहीं दिखाना हो तो ऐप आइकॉन को आप कट कर सकते हो। इस तरह से जो भी चीज़ें आपको चाहिए नहीं चाहिए आप लॉक स्क्रीन पे आप उसे हटा सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जर्वर की सेटिंग्स भी मिल जाती है, मतलब अगर कोई बंदा फेल हो रहा है, ट्राई कर रहा है वो पासवर्ड डालने के लिए तो वो ओपन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो फोटो है वो क्लिक हो जाएगी। अगर 3 बार वो फेल होता है, गलत डालता है, तो जो उसकी फोटो है वो क्लिक हो जाएगी। सेंडिंग मेथड अगर आप ईमेल पे भी करना चाहते हो तो ईमेल पे जो उसकी फोटो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और कौन सा ईमेल आपको देना है, कौन से ईमेल पे सेंड करना है, आपको यहाँ पे सेंडर और रिसिपिएंट के यहाँ पे सेंड करना है पिक्चर अटैचमेंट के साथ। तो आप ईमेल पे भी जो ये फोटो है वो सेंड कर सकते हो अगर कोई बंदा आपके ऐप में गलत तरीके से एक्सेस कर रहा हो तो। फिर यहाँ पे आपको सिस्टम लॉक का ऑप्शन मिलता है, तो आप सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें को लॉक कर सकते हो। तो आप इनकमिंग कॉल्स को लॉक कर सकते हो, अगर वाईफाई ब्लूटूथ को भी लॉक करते हो तो कोई वाईफाई और ब्लूटूथ को भी पासवर्ड के बिना उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। और एक चीज़ इसमें करनी पड़ेगी आपको ताकि इस ऐप को कोई अनइंस्टॉल ना कर पाए, जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कोई भी अनइंस्टॉल कर लेगा। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर को भी लॉक करना पड़ेगा ताकि प्ले स्टोर में जाके इसे कोई अनइंस्टॉल ना करे। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर यहाँ पे ऐप लॉक है तो ऐप लॉक को ओपन करने के लिए भी पासवर्ड डालना पड़ेगा, आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, या फिर अगर कोई ऐप इन्फो में जाके अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए भी उसे देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्ले स्टोर को मुझे लॉक नहीं करना है लेकिन इसको रोकना है मुझे, तो आप कर सकते हो। आपको ऐप लॉक को एडमिन में डाल देना है, डिवाइस एडमिन में। तो आप सेटिंग में जाइए, यहाँ पे सर्च करिए, सर्च करिए यहाँ पे डिवाइस एडमिन। डिवाइस एडमिन ऐप्स में आपको यहाँ पे जो ऐप लॉक है उसे इनेबल कर देना है, एक्टिवेट कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हो जब प्ले स्टोर में जाओगे आप तो यहाँ पे, तो अगर आपने डिवाइस एडमिन में जो ऐप लॉक है डाल दिया है, अगर आप उसे अनइंस्टॉल भी करोगे तो अनइंस्टॉल नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे दिखाएगा कि वो अनइंस्टॉल हो रहा है लेकिन वो अनइंस्टॉल नहीं होगा, आप तभी भी अपने सारे ऐप्स को ऐप लॉक के साथ अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस ऐप लॉक का यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन में एस सिक्योर के जगह पे, क्योंकि एस सिक्योर एकदम परफेक्ट ऐप लॉक नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर अच्छे ऐप लॉक की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ऐप लॉक फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इजी है यूज़ करने के लिए। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।